तो भक्ति तीन प्रकार की बताई सुखदेव परमहंस ने, कई जगह श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मण, फिर तीन बताई श्रवण कीर्तन और ध्यान। अब इन तीन में भी एक भक्ति है वास्तविक, वो कौन? स्मरण। ध्यान दो, स्मरण ध्यान चिंतन रूप ध्यान, ये मेन भक्ति है, बाकी सब हेल्पर हैं। क्यों? इसलिए कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, नारद पुराण, मन ही बंधन और मोक्ष का रीजन है। अगर मन से आप स्मरण नहीं करेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो मन क्या करेगा? मन संसार का स्मरण करेगा। तो जिसका स्मरण मन करता है तो उसी की भक्ति मानी जाती है और उसी का फल मिलता है। मुंह से आप मान लो राधे राधे कर रहे हैं और राधे आपकी बीबी है या मम्मी है या बिटिया है और ध्यान उसका कर रहे हैं, तो राधे नाम काम नहीं देगा। किस जिसका नाम ले रहे हैं उसका स्मरण होना चाहिए, ये प्रमुख बात है। सबसे प्रमुख रट लो, भगवत प्राप्ति तक ये वाक्य भूले ना कि मन को भक्ति करना है। इसलिए भगवान के स्मरण के अलावा कोई भी भक्ति 0/100। एक अनासंग एक सासंग, दो प्रकार का भक्ति होता है। यानी एक तो हम मुख से कीर्तन करें, पैर से चारों धाम की मार्चिंग करें, हाथ से पूजन करें ठाकुर जी का, आंख से मंदिरों में दर्शन करें, कान से पुराण और गीता और भागवत सुने, ये सब बकवास है, सब 0/100। भगवान ये लिखेंगे कि तुमने मन का अटैचमेंट कितने परसेंट किया, बस उसी का नाम भक्ति। ये अलग बात है कि नथिंग से समथिंग अच्छा है, एक आदमी गधा गधा कहता है, एक आदमी राधे राधे कहता है, कुछ थोड़ी बहुत तो भावना बनेगी उसकी लेकिन बिना रूप ध्यान के साधना साधना नहीं है। मनेर स्मरण प्राण, ये स्मरण जो है प्राण है। अगर प्राण निकल जाए तो शरीर क्या है? शव, मुर्दा। इसलिए प्राण रूपी ध्यान को, चिंतन को, स्मरण को सबसे पहले रखना है। आपको ABCD शुरू करना है भक्ति की, हाँ, तो पहला अध्याय क्या है? पहला मंत्र है भगवान का रूप ध्यान बनाओ, फिर भगवान का नाम लो। हम संसार में भी किसी का नाम लेते हैं तो पहले रूप ध्यान करते हैं। अरे और क्या नाम उसका, ओ रमेश, पहले उसको चिंतन किया रूप का, फिर उसका नाम लिया। बिना रूप बनाए हम संसार में भी किसी का नाम नहीं लेते, फिर भगवान का नाम ले रहे हैं आप, और भगवान की भावना न बनाए आप तो फिर वो भगवान का नाम कहाँ हुआ? इसलिए तजपस तदर्थ भावनम, लोक दर्शन में एक सूत्र है कि उनका जप करो कीर्तन करो तो मन से उनको सामने खड़ा करो, रूप ध्यान करो। तो चाहे 1000 प्रकार की भक्ति हो लेकिन सब में एक भक्ति सबसे प्रमुख है। एक बार
तुम राम श्याम मत कहो, बहरा है कोई, अब वो श्रवण भक्ति कैसे करेगा। कोई गूंगा है वो राधे राधे कैसे बोलेगा, वो तो कहेगा भगवान से कि हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, हड़ताल कर देगा, सारे गूंगे इकट्ठे हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं हम न तुम्हारा कान का वर्क चाहते हैं न रसना का, हम तो मन का वर्क चाहते हैं, और बिना मन के तो कोई है नहीं। पशु पक्षी कीट पतंग सबके मन होता है, तुम मन से स्मरण करो, तुम मत लो मेरा नाम। नाम तो इसलिए लिया जाता है कि मन लगे, उनकी लीला गाओ तो मन लगे, उनके गुण गाओ तो मन लगे। वो तो हेल्पर है, साधना नहीं है, वो सहायता करती है। जितनी इंद्रियों की साधना है वो मन की हेल्पर है। कीर्तन हो रहा है, अब अगर सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, तो आपसे क्या मतलब, अपना आप कीर्तन कर रहे हैं। तो आवाज होती है, और जितने साधक कीर्तन में बैठते हैं उनके मुख से जो वायु निकलती है, तो अलग अलग क्लास है साधकों का, किसी की शरणागति 20%, किसी की 50%, तो वो पावर मिल करके सबको लाभ पहुंचाती है। लेकिन रूप ध्यान कंपलसरी है, बिना रूप ध्यान के साधना साधना नहीं है। ये बात नोट कर लेना सदा के लिए। और जो ये कहीं वाक्य आपको मिलता है कि भाव वाव कुछ नहीं जी, खाली भगवान का नाम लो, अरे भगवान का नाम लो, अरे तो भगवान तो आया, भगवान का नाम लो ये कहा उसने, हाँ कहीं लिखा है, हाँ तो वो भगवान का मतलब क्या हुआ फिर। वो भगवान का नाम लेने का मतलब भगवान का को पहले सामने बुलाओ, तो रूप ध्यान से मन से। तो मन ही साधना करेगा और मन से ही भगवान का रूप ध्यान होगा, और साथ में श्रवण कीर्तन सब करो जो तुम्हें पसंद हो, जिसमें अधिक मन लगे। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी उपाय से भी मन श्री कृष्ण में लगे वो करो। मन लगे यही अंतिम एम है। जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, ताव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। बस भगवान में कितना अनुराग हुआ, बस वही साधना है। वो अनुराग होगा रूप ध्यान से, रूप ध्यान ही नहीं करोगे तो अनुराग कैसे होगा। इसलिए कह रहा है श्रवण कीर्तन स्मरण ही है, श्रवण कीर्तन स्मरण ही है प्रमुख साधन प्यारे, श्रवण कीर्तन स्मरण ही है प्रमुख साधन प्यारे, प्रमुख साधन प्यारे स्मरण।
स्मरण ही को स्मरण को ही साधना का स्मरण ही को साधना का प्राण मानो प्यारे स्मरण ही को साधना का प्राण मानो प्यारे प्राण मानो प्यारे और जब वो सामने आ जाए रूप ध्यान में, जब तुमने रूप ध्यान किया, उनको सामने बुलाया, अपने सामने बैठाया या खड़ा किया, तो अब मैं क्या करूं? अब तुम उनसे मांगो, मांगो, तुम्हारे पिता हैं, माँ हैं, सब कुछ हैं, तुम दुखी हो, अशांत हो, तो उनसे एक चीज मांगो। क्या मांगे? सबसे बड़ी चीज जो हो, सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रेम। सबसे बड़ी चीज प्रेम। क्यों? प्रेम के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में मोक्ष, मोक्ष के अंडर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर में कर्म, कर्म के अंडर में सब जीव। तो टॉप की चीज है प्रेम। अहम भक्त पराधीनः, जिनके अधीन हो जाते हैं भगवान, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। छछिया भर थोड़ी सी छाछ दे करके, और ठाकुर जी से कहते हैं डांस करो, और करना पड़ता है। अरे उनको तो भूख प्यास लगती नहीं है, छाछ के लिए क्यों डांस कर रहे हैं? अरे नहीं, उसके अंदर एक प्रेम शक्ति है, गोपी के अंदर उसके दास हैं। इसलिए भगवान से प्रेम मांगो। अच्छा, तो प्रेम मांगे कैसे? मांगे जबान से? ना ना ना, जबान से नहीं मांगो, मन से मांगो। मन से कैसे मांगे? जैसे एक बच्चा भूखा होता है, छोटा सा बच्चा, और भाषा भी नहीं जानता बोलना, तो वो रो देता है। तो रो देने का मतलब हमको कुछ चाहिए। अब वो शब्द नहीं बोल सकता, हमको दूध चाहिए, और आप शब्द बोल सकते हैं, तो आप रो कर प्रेम मांगिए, तब असली मांगना होगा। अंदर से भूख भगवान की आपको है, प्रेम की आपको है, हाँ, तो उस भूख के कारण आप को रोना चाहिए, रो कर मांगना चाहिए। अहंकार से मांगा, ए प्रेम दे दो। आप लोग सवेरे प्रार्थना करते हैं तो मैं सुनकर मुस्कुराता हूं, प्रेम भिक्षा देही। एक के दिमाग में ये बीमारी नहीं पैदा होती कि रो कर एक बार कह दे प्रेम भिक्षा दे ही। ये कितना गलत है। ये अलग बात है, नथिंग से समथिंग अच्छा है। आप ये धन दौलत देह के बजाय प्रेम भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन मांगने का मतलब क्या होता है? जब कोई भूखा भिखारी मांगता है तो उसकी आवाज और तरह की होती है, और जब पेट भरा है रसगुल्ले से और कहता है बाबा भूख लगी है खिला दो, तो वो यहां से बोलता। तो यहां वाला भगवान नोट नहीं करते। इसलिए रो कर मांगो प्रेम। और नंबर दो,
अपने सुख के लिए कुछ न मांगो। ये बहुत बड़ी शर्त है, अपने सुख के लिए कुछ न मांगो। वो प्रेम जो मांग रहे हो वो भी उनकी सेवा के लिए, अपने सुख की कामना बंद करो। ये अपने सुख की कामना ने हमको 84 लाख में घुमाया। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। अब ये ख्वाहिशें तरसे कि अब हमको नहीं चाहता है, इसको कौन से गुरु ने पाठ पढ़ा दिया है, ये तो अनादि काल से हमारा ही गुलाम था। ये कामना करो, ये कामना करो, ये कामना करो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी मानो अपने आप को, अपना सुख मत चाहो, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रेम मांगो। हाँ, स्मरण जुत नित रोक मांगो, स्मरण जुत नित रोक मांगो, प्रेम हरि का प्यारे। प्रेम हरि का प्यारे, उनके सुख को मानू निज सुख, उनके सुख को मानू निज सुख, लक्ष्य यह रखु प्यारे। उनके सुख को मानू निज सुख, लक्ष्य यह रखु प्यारे, लक्ष्य यह रखु प्यारे। हाँ, और तीन चीज प्रमुख है, हरि, गुरु और हरि गुरु की मिलन वाली पावर भक्ति, इन तीन में अनन्य रहो। राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, 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 राधे 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 रा
Radhe, 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 Radhe